नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। पलवल के गांव जलाका निवासी जयप्रकाश ने बताया कि उसका 21 वर्षीय भाई रिंकू उर्फ टिंकू गांव में हेयर ड्रेसर का काम करता था। रविवार शाम को दुकान बंद कर रिंकू घर आ गया था। रात करीब 10 बजे गांव निवासी लोकेश व योगेश घर पर आए और कहा कि सुबह उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, जिसके लिए उन्हें कटिंग करवानी है। लोकेश व योगेश रिंकू को अपने साथ ले गए। सोमवार सुबह 6 बजे उन्हें सूचना मिली कि रिंकू लुढ़हान अवस्था में गांव के समीप नाले के पास पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पीड़ित अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचा तो रिंकू गंभीर अवस्था में मिला, जिसके हाथ पैर टूटे हुए थे और खून बह रहा था, लेकिन रिंकू में उस समय सांस था। जिसने बताया कि लोकेश योगेश गांव अमरपुर निवासी रमन व अन्य साथियों ने उससे बुरी तरह मारपीट की है। पीड़ित अपने भाई को उपचार के लिए लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां चिकित्सक ने रिंकू को मृत घोषित कर दिया। डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई और मृतक के भाई की शिकायत पर 3 नवजात व 1 अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात को 10 बजे जी योगेश और लोकेश घर आए, ये कहने लगे कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे बाल कटवाने। ऐसे लगे रात के जी 10 बजे यहाँ से घर से, और फिर रास्ते में मारपीट की और बम्बे पे ले जाकर फेंक दिया नहर पे। सुबह 5:45 बजे करीब उन्होंने की मेरे साथ ऐसे ऐसे यहाँ ला के ऐसे मारपीट की और रात को वहीं छोड़ दिया। आज सुबह जो है सूचना मिली थी रिंकू उर्फ टिंकू जो श्याम सिंह का बेटा है, उम्र करीब इसकी 22 साल है, ये सुबह इसको लेकर के नहीं सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो सिविल हॉस्पिटल से इनको रेफ़र कर दिया था। जो रास्ते से वापस लाए फिर इनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। जिस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में पुलिस वहाँ गई थी तो इसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी, इसके दोनों पैर तोड़े हैं और इसको काफ़ी चोटें मारी हैं। कुछ लड़के गांव के हैं योगेश और लोकेश, जो इसको पहले गाड़ी में बिठा करके लाए थे किसी बहाने से, और फिर लड़का रमन नाम का लड़का है जो अमरपुर का रहने वाला है। इन्होंने एक साथी और बता रहे हैं, उसको अननोन है अभी, तो इन्होंने मिलकर के इनके काफ़ी चोटें मारी हैं, जिससे इस लड़के की वहाँ डेथ हो गई। अभी 3 भाई नेम है और एक अननोन है। अभी पोस्टमार्टम हमने करा दिया है, डेड बॉडी वारिसों हैंड ओवर कर दी है और जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। अब तक की खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।